भीमनाबाद थाने में ग्राम रक्षा नगर समिति की बैठक हुई संपन्न। एसडीओपी के मार्गदर्शन बहोरीबंद स्लीमनाबाद पान उमरिया थाने में की समिति के सदस्य को बुलाया। सदस्य को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए समझाया। नायब तहसीलदार शैवाल सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह न फैलाने का आग्रह किया। थाना प्रभारी बहोरीबंद यातायात प्रभारी मैडम द्वारा सड़क सुरक्षा की जानकारी दी। थाना प्रभारी सिंह तिवारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। संवाददाता स्लीमनाबाद प्रवीण तिवारी। ट्रैफिक के सिपाही द्वारा यातायात के संबंध में जानकारी दी गई और मोनका मैडम द्वारा किसी घायल को तुरंत इस पार तक पहुंचने पर हम क्या उपाय कर सकते हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई। मोनका मैडम ने बताया कि कुछ दूर चलने के बाद एक आदमी गिर गया, लेकिन अभी 4 दिन पहले की बात है कि कटनी के एक नामी स्कूल के टीम मास्टर और वो कार से हमने खड़े ट्रक में पीछे से घुस गए। घटना ये हुई, तीनों को तत्काल वहां से स्टाफ द्वारा कटनी भेजा गया। कटनी में तीनों का मुलाजा हुआ, घर चले गए। उसके बाद उसमें एक डेविड करके मास्टर थे, उनके परिजन जबलपुर में ले जाके जामदार के यहां भर्ती किया। जामदार ने उनको भर्ती रहने के लिए कहा। वो लिख के दे आए कि हम रात को इलाज करवाने जाना चाहते हैं और अपने घर आ गए और घर में शाम को खत्म हो गए। तो अगर डॉक्टर कोई चीज बोलता है तो उसको माना जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, हम खुद या हमारे परिवार वाले खुद डॉक्टर न बन जाए। अगर हमारे पास किसी चीज का ऐसा भाव है तो उसके लिए सरकारी अस्पतालें भी हैं, जहां हर चीज के या हर मान के विशेषज्ञ लोग हैं, तो उनकी भी सलाह मानी जाए। अब मास्टर साहब के घर वालों ने उन्हें कोई सलाह नहीं मानी, डॉक्टर के यहां लिख के दे आए कि हम नागपुर जाके इलाज करेंगे, घर आए शाम को निपट गए। अच्छी चीज नहीं। दूसरी चीज हमने ये देखा है प्राय कि 100 डायल का मिस यूज हो रहा है। लोग बोलते हैं साहब कुछ चौगट्टे में दारू पी के गाली बक रहा है, 100 डायल आ जाए। क्या उचित है 100 डायल का बता सकते हैं कि दारू पीने वाले को थाने में लाके क्या करेगी पुलिस? तो कम से कम थाने में अगर किसी चीज का हम दुरुपयोग चालू कर देंगे तो जो हमको जरूरत होगी तब उपलब्ध नहीं होगी। तो इसलिए अगर शासन ने किसी चीज की सुविधा दी है तो सुविधा का हम फायदा होगा, उसका दुरुपयोग ना करें। जो कि 100 डायल का काफी दुरुपयोग हो रहा है, इस बात को मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। लोग कहते हैं साहब रिपोर्ट करना है, 100 डायल भेज दो तो हम 100 डायल से आके थाने में रिपोर्ट करें। भाई अगर आपको तकलीफ है। दूसरी चीज जो मैंने देखा कि कोई बड़ी घटना हो जाती है, कोई खत्म हो गया, सूचना दी, ठीक है, पुलिस भी गई, ठीक है, लेकिन अब उसकी कार्रवाई जब तक कोई आदमी थाने में आके रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी हम कार्रवाई चालू कैसे करें? तो भाई अगर ऐसी कोई घटना होती है तो कम से कम सूचना देने के साथ साथ उसके पटवार के साथ या कोई गांव के या उसके परिवार के साथ एक आदमी को थाने में तो रवाना कर दे कि भाई कार्रवाई लिखा पड़ेगी चालू हो जाए। पूरे साहब एक आदमी फांसी में लटका है, पुलिस आ जाए, ठीक है भाई, पुलिस हमने भेज दी। 100 डायल वाले को फोन किया, 100 डायल वाला पहुंच गया, क्या करेगा 100 डायल वाला वहां? तो भाई कम से कम आपने सूचना दी, अच्छी चीज है, पुलिस भी 100 डायल पहुंच गई, ये भी अच्छी चीज है, लेकिन कार्रवाई के लिए किसी को जानकारी आके थाने में तो लिखा पड़ी तो करना पड़ेगी। तो इस चीज का भी कम से कम विशेष ध्यान दें। हमारे प्रभारी बोल रहे थे कि पुलिस गाली को उतार करती है, भाई अगर कोई के पास कागज है वो दिखा देगा तो हम लोगों के सीन नहीं होंगे कि हम लोग गाली देंगे या इसका
हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम किसी को गाली दें, हमारा एहसास किसी को गाली दें। जब आदमी गलती करता है और गलती करने के बाद वो रिएक्ट भी गलत तरीके से करता है तो मानव प्रवृत्ति के अनुसार अगर किसी पुलिस वाले ने उसको भी रिएक्ट कर दिया तो इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन जरूर होगा, तो हम उसके संबंध में कोई एक्शन ही न करें। कागज नहीं है, सब नहीं है भाई। आजकल तो हम लोगों ने ये भी कह दिया है कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो मोबाइल में दिखा दो, भाई मोबाइल में देख लेते हैं, उसको मान लेते हैं। तो इतना तो सुविधा कर सकती है जनता। अब गाड़ी में नंबर भी नहीं है, कागज भी नहीं है, वो कहते हैं साहब हमारी गाड़ी छोड़ दो, तो ये तो दिक्कत वाली बात है भाई। कम से कम आप अपनी गाड़ी के कागज अगर रखने में तकलीफ है तो उनकी एक फोटोकॉपी आप अपने मोबाइल में सेव करके रखिए, क्योंकि गाड़ी आपके पास सामने रहेगी, कागज आप मोबाइल में दिखाएंगे, हम इस पॉइंट पर उसको वेरीफाई कर लेंगे कि जो ये आप कागज बता रहे हैं वो इसी गाड़ी के, तो कोई समस्या नहीं होगी। व्हाट्सएप की बात भी हो गई। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आगामी समय में पंचायत के चुनाव और पंचायत के चुनाव में आप सभी लोगों को निष्पक्ष होकर आज ऊपर इस बात का सहन मिलना लगे कि आप फलाने पार्टी के, फलाने आदमी के, फलाने कैंडिडेट के पक्ष में या विपक्ष में कोई काम कर रहे हैं, इस प्रकार का आप ऊपर कोई भी सवाल या निशान नहीं उठाना चाहिए। और पंचायत चुनाव सबसे ज्यादा गंभीर चुनाव माने जाते हैं शासन प्रशासन की दृष्टि में, इसलिए अगर इसके संबंध में या इस चुनाव के संबंध में